हेलो दोस्तों, योग जीवन में शामिल किया जाना चाहिए। यह हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक आदि सभी पहलुओं पर काम करता है। योग का अर्थ एकता या बांधना मुद्रा के लिए संपूर्ण शरीर अथवा केवल हाथों का उपयोग होता है। मुद्रा का योगिक सांसों के साथ अभ्यास शरीर के विभिन्न अंगों को उत्तेजित कर शरीर में प्राण के प्रवाह को सचेतन करता है। हाथ के इशारे विभिन्न अर्थों को व्यक्त कर सकते हैं और सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर शक्ति के विभिन्न स्तर हो सकते हैं। यहाँ कुछ हाथ के इशारे हैं जो शक्तिशाली माने जाते हैं या विभिन्न संदर्भों में महत्वपूर्ण अर्थ रखते हैं। फिस्ट पंप, इस इशारे में मुट्ठी बनाना और इसे हवा में उठाना शामिल है, आमतौर पर जीत, विजय या उत्सव के संकेत के रूप में। उठी हुई मुट्ठी एकजुटता, एकता और प्रतिरोध का प्रतीक है। इसका उपयोग ताकत और अवज्ञा के राजनीतिक और सामाजिक प्रतीक के रूप में किया गया है, विशेष रूप से नागरिक अधिकारों और सामाजिक न्याय की वकालत करने वाले आंदोलनों से जुड़ा हुआ है। शक्ति मुद्रा, यह कोई विशिष्ट हाथ इशारा नहीं है बल्कि एक शारीरिक मुद्रा है। इसमें एक खुली छाती के साथ लंबा खड़ा होना और हाथों को कूल्हों पर रखना या सिर के ऊपर एक विस्तृत मुद्रा में उठाना शामिल है। माना जाता है कि पावर पोजिंग आत्मविश्वास को बढ़ाती है और अधिकार और ताकत की भावना व्यक्त करती है। नमस्ते एक पारंपरिक भारतीय अभिवादन, नमस्ते इशारा में हथेलियों को छाती के सामने एक साथ दबाना शामिल है, जिसमें उंगलियां ऊपर की ओर इशारा करती हैं। यह अपने और दूसरों के भीतर परमात्मा के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और स्वीकृति का संकेत है। वी चिन्ह, तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को वी आकार में ऊपर उठाकर और अन्य अंगुलियों को मोड़कर रखते हुए वी चिन्ह बनाया जाता है। यह संदर्भ के आधार पर जीत, शांति या अवज्ञा का प्रतीक हो सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न संस्कृतियों में इस इशारे के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। थम्स अप जेस्चर में अंगूठे को ऊपर की ओर फैलाना शामिल है। इसे आमतौर पर अनुमोदन, समझौते या प्रोत्साहन के संकेत के रूप में समझा जाता है। यह सकारात्मकता और समर्थन की भावना व्यक्त कर सकता है। रॉक ऑन, यह इशारा तर्जनी और कनिष्ठा उंगली को फैलाकर किया जाता है, जबकि मध्य और अनामिका को हथेली में मोड़ा जाता है। यह अक्सर रॉक संगीत से जुड़ा होता है और इसका उपयोग संगीत या घटनाओं के लिए प्रशंसा या उत्साह दिखाने के लिए किया जाता है। अब जानते हैं कुछ विशेष मुद्रा के बारे में। काली मुद्रा जो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊर्जा को चैनलाइज करने में मदद करती है। यह एक ऐसी मुद्रा है जिसे या तो आसनों के साथ जोड़ा जा सकता है या सुखासन में बैठकर ध्यान और प्राणायाम वर्ग के रूप में किया जा सकता है। मुद्रा अगर आप हर रोज करते हैं तो यह आपके अंदर से घबराहट को पूरी तरह से निकाल देता है। इसके साथ ही यह आपको दिल संबंधी कई बीमारियों से दूर रखता है। आप हर रोज अपना काम करते हुए इस मुद्रा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उत्तर बोधी मुद्रा, यह एक ऐसी मुद्रा है जो आपके अंदर चेतना पैदा करती है। इस मुद्रा में अगर आप रहेंगे तो आपका दिमाग आपके चारों तरफ चल रही चीजों को देखते हुए सतर्क रहेगा। यह आपके डर को दूर करने, आपके शरीर को आराम देने और आपकी ऊर्जा को बहाल करने में आपकी मदद करता है। आत्मज्ञान मुद्रा या योनि मुद्रा,
यह एक ऐसी मुद्रा है जो आपके नर्वस सिस्टम पर असर डालती है, जिससे आपका तंत्रिका तंत्र शांत हो जाएगा और आपका अपनी इंद्रियों पर अधिक नियंत्रण होगा। अगर आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपके सेंस बेहतर तरीके से डिवेलप होंगे। यह मुद्रा आपके बोलने और सोचने की क्षमता का भी विकास करती है। कालेश्वर मुद्रा। कालेश्वर मुद्रा आपके अंदर मौजूद उतावलेपन को कम करता है और आपको सचेतन अवस्था में रहता है, ताकि आप कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ लें। यह आपके गलत विचारों को आपके दिमाग से साफ करता है और आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। इसके साथ ही कालेश्वर मुद्रा आपकी मेमोरी पावर को भी बढ़ाती है। अटूट विश्वास मुद्रा। ये मुद्रा आपके अंदर आंतरिक शक्ति और अटूट विश्वास पैदा करती है कि आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। अगर आप रोजाना इस मुद्रा को करते हैं तो यह आप में स्ट्रेंथ और पावर दोनों भर देती है। याद रखें, हाथ के इशारे की शक्ति व्यक्ति पर्क है और सांस्कृतिक मानदंडों, संदर्भ और व्यक्तिगत व्याख्या के आधार पर भिन्न हो सकती है। सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं के बारे में जागरूक होना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इशारों का उचित और सम्मानपूर्वक उपयोग किया जाता है। आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।